लोग ऐसे ही बायकॉट कर देंगे। बॉयकॉट एक्स ये एक ऐसा बॉयकॉट ग्रुप है जो किसी मकसद के लिए नहीं, सिर्फ बॉयकॉट के लिए काम करता है। मैम एक और बॉयकॉट ट्रेंड। इस बार हम ऐसा अटैक करने वाले हैं जो बॉलीवुड ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये नेगोशिएशन नहीं, अल्टीमेटम है। एनी टाइम स्टार्ट्स। नाउ। मेरी घड़ी कहाँ है? तो अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हुआ। तुम अगर ब्लॉकबस्टर मूवी की भीख मांगने पठान के घर आओगे तो पठान तो जरूर आएगा। कभी कभी ऐसी छोटी गलतियां हो जाती है सेनियोरिटा। अब ब्लॉकबस्टर मूवी जरूर आएगी। पठान मैं भी एक हिट हीरोइन हूँ और तुम एक हिट हीरो। तुम्हें इस मिशन में मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम चाहो तो ये मिशन हम साथ में कर सकते हैं। दीपिका तुम अपनी हिट मूवीज की गहराइयों में इतना खो चुकी हो कि तुम्हें गहराइयां का अंदाजा ही नहीं रहा। पठान कहां से लाए तुम इतनी बकवास डिक्शनरी? भूलो मत हमार जो एक्सप्रेस चेन्नई गई थी। ओम शांति ओम। अप्पा से तुम्हें मैं ही बचाई। डर DDLJ कल हो ना हो और ये तेरा का टाइम गया। अब बॉयकॉट का टाइम है। छोड़े अब तू मुझे सिखाएगा। अगर आज भी मैं मेरा ये मेरे घर के बाहर कर दूँ ना तो मुझे करोड़ों लोगों का प्यार मिलता है। क्या फायदा है करोड़ों के प्यार का जिसने तुझे रईस से जीरो पर लाके खड़ा कर दिया। अब एक विलन मुझे जीरो बोलकर रिटर्न अटैक करेगा। अमित जान कहती थी कि एक हीरो कभी अपने फिल्मों से बड़ा नहीं बनता, वो अपने फैंस के प्यार से बड़ा बनता है। अगर इतना ही घमंड है तुझे अपने फैंस पे तो डाल देना अपनी मूवी यूट्यूब पे। छोड़े मेरे फैंस मुझे यूट्यूब पर नहीं बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। पर अब बड़े पर्दे पर तुझे देखने चाहेगा कौन? एक ब्लॉकबस्टर हीरो कभी अपने फैन से ये नहीं पूछता कि वो मूवी देखने जाएंगे या नहीं, वो उन्हें मूवी देखने की वजह देता है। जय हिंद। आप देख रहे हैं संस्कृति प्रोडक्शंस का एंटरटेनमेंट चैनल द ठग माफिया। सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें।